वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास जथेदार जरनैल सिंह डोगरावाला एग्जैक्टिव मैंबर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तख्त श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सर हरजिंदर सिंह जी धामी पूरी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को जिम्मेवारी लाई थी कि जेलों में बंद पै 32 साल तो 25 साल तो लंबिया कैदा कट के जेड़े जेलों में बंद सड़े ने साढ़े खालसा पंथ के हीरे उन्होंने रिहा कराने वास्ते प्रोग्राम अलीकिया जाए। उस प्रोग्राम के तहत 12 तरीक न सवेरे दिन सोमवार असी पूरे जिला कपूरथला दियां सारियां धार्मिक जथेबंदियां सारिया संत महापुरश संप्रदावां और सारिया ही किसान जथेबंदियां और पार्टी वाइज उठ के सारे कपूरथले के उन्हां गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं आवाज मारी है आओ सारे रल के उन्हां बंदी सिंघां नूं रिहा कराउण वास्ते कपूरथला डीसी साहब के दफ्तर के अगे रोस मुजहरा किया जाए। असी रोस मुजहरा करन वास्ते सवेरे 10 बजे तो लैके 1 बजे तक समाप्ति करांगे और उन्हां बंदी सिंघां दी आवाज़ हिंदुस्तान की सरकार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नूं पहुंचाउण वास्ते डीसी नूं मंग पत्र देवांगे और डीसी दे मंग पत्र उस नूं गवर्नर दे राही देश की सरकार दे प्रधानमंत्री तक पहुंचाउण दा यतन करांगे। और मैं समझदा हां कि लोगों च बहुत भारी उत्साह पाया जा रहा है और पिंड पिंड विचों आवाज़ आ रही है कि सारे ही संगतां वड्डी गिणती इकट्ठियां एकत्र हो रही हैं और उन्हां बंदी सिंह जो अज जेलों में बंद ने जिन्हां ने कोई अपने अणख ते गैरत की लड़ाई लड़न वास्ते सिख कौम की लड़ाई कर लड़न वास्ते सिख रहत मर्यादा की लड़ाई लड़न वास्ते अपने हकों नूं मनाउण वास्ते वो जेलों में बैठे ने वो कोई निजी लड़ाइया लड़न वास्ते अपनिया जमीन जायदादा की लड़ाई लड़न वास्ते नहीं गए। इस करके सिख कौम की ड्यूटी बनती है कि आओ सारे रल के उस संघर्ष नूं होर तेज़ करिए उन्हां बंदी सिंघां नूं रिहा करा के।